Hello friends, welcome to all of you in my online classes. In this video, we will solve exercise 4.2, which is related to addition of integers. Okay. So we have first question. Question is write the inverse of the following. आपका number दिया हुआ है given. और इनके additive inverse के बारे में inverse आपको लिखना है. ठीक है? तो पहले concept को समझिए. Additive inverse. Additive inverse का मतलब होता है कि जो आपका number given है, उसमें कोई ऐसा number जोड़िए कि दोनों का plus करने पर आपका result जो zero हो जाए. ओके एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है गिवन नंबर में कोई ऐसा नंबर आपको ऐड करना है जिसका रिजल्ट जो आए वो जीरो आए. ओके सो सिंपल भाषा में अगर समझें तो अगर आपको पॉजिटिव नंबर गिवन है तो उसको आप साइन चेंज करके लिख दीजिए नेगेटिव में तो प्लस और माइनस का सम जो है जीरो आ जाएगा. और अगर आपको नेगेटिव नंबर गिवन है तो भी आप साइन चेंज करके उसको प्लस में पॉजिटिव में लिख लें तो भी आपका सम जो है वो जीरो आ जाएगा. क्लियर है? सो बहुत ही सिंपल सिस्टम है. एडिटिव इनवर्स का मतलब आपको साइन चेंज करके वही नंबर एज इट इज लिख देना है. तो एडिटिव इनवर्स लिखना है 49 का तो आप इजीली लिख सकते हैं -49. सिमिलरली -13 का लिखना है तो चेंज कर दीजिए साइन +13. ओके नेक्स्ट आता है पहले इससे बात करना है माइनस का 2012 है. ओके तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस का 2012 हो जाएगा. क्लियर है? ये हो गया. अब देखिए इसके सम क्या है जीरो. तो जीरो के बारे में आपको पता होना चाहिए जीरो जो है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ओके तो जीरो का सम ऐसे नंबर जीरो में ऐड करो सम जीरो आ जाए. जीरो में जीरो ऐड करने पर भी जीरो आएगा. ठीक है तो जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होता है. क्लियर है? समझ में आ गया होगा. एडिटिव इनवर्स आपको क्या करना है पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव बनाना है नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना है. और अगर आपको जीरो है जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है. तो इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन है इसमें वो आपको करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नंबर की बनाया उसमें आपको प्लस वन करना है. ठीक है? देखिए -31 है -31 +1. ओके अब देखिए अगर आप ऐसे नंबर ऐड कर रहे हैं जो अनलाइक साइन है अनलाइक साइन मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है. ठीक है तो जनरली होता सब्ट्रैक्शन. ठीक है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 31 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया कितना आएगा 30. और साइन कौन सा नंबर आएगा तो एक नंबर आपका ग्रेटर दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा है उसी का साइन आएगा. तो ये यहां 1 है और यहां 31 है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 31 ज्यादा है तो साइन इसके साथ हो जाता है. 31 के साथ कौन सा है माइनस का तो यहां माइनस आएगा. क्लियर है? नेक्स्ट माइनस का सबसे पहले लिखना है तो -1 +1. ओके सबसे पहले का मतलब प्लस 1 करना है आपको. ठीक तो देखिए माइनस और प्लस वन लाइक साइन नंबर है इसका मतलब होना सब्ट्रैक्शन. क्लियर है? अब सब्ट्रैक्शन करना है आपको. वन में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा जीरो. और साइन तो देखिए साइन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यहां भी बन है और यहां भी बन है तो माइनस का साइन ले सकते हैं ऐसा साइन ले सकते हैं. इसीलिए कहते हैं जीरो जो है वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है जीरो जीरो होगा. ओके नेक्स्ट नंबर आता है आपके पास 99. तो 99 का सबसे लिखना है कितना करोगे +1. प्लस वन करेंगे ये तो एकदम सिंपल सा है. प्लस वन करने का मतलब 100. क्लियर है? सो ये आपके आंसर है. क्लियर है? तो
bisa nomor sekian, bisa nomor berapa, faktor, bisa terpisah, sudah clear. अब देखिए 0 माइनस 1
तो जीरो नंबर पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जीरो में से चाहे आप कुछ भी ऐड करो चाहे कुछ भी सबट्रैक्ट करो, हाँ ना वही नंबर है तो आप ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप मैं माइनस वन सबट्रैक्ट किया तो माइनस वन ही आ जाएगा यहाँ पे। वैसे भी देखें जीरो और वन दोनों के वैल्यू मिक्स कर दी जाए वन भी, ठीक है, तो वन तो आने जाना। अब साइन कौन सा आएगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आती है, हाँ वन न्यूमेरिकल वैल्यू बन भी जाता है, इसका मतलब वन के आगे वाला साइन ही यहाँ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास 121 स्प्रेड डिसीजन निकालना है, इसका मतलब इसमें से माइनस वन करेंगे, कब देखिए यहाँ पर हम तो लाइक साइन में है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अनलाइक साइन होंगे तो काम होना है आपका सब्ट्रैक्शन का, और जब भी लाइक साइन आएगा तब काम क्या होता है एडिशन का, क्लियर है। यहाँ देखिए ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इसका मतलब होना यहाँ पर काम एडिशन का है। तो आपका एडिशन कर दीजिए 121 और 1 ऐड हो गया कितना जाएंगे 122। पर चेंज क्या है, लाइक साइन जब भी आप साथ में लेंगे तो वही साइन आएगा जो आपका मिशन है, जैसे यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, एडिशन हो गया लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में साइन माइनस का है, यहाँ भी आपका माइनस का आएगा, क्लियर है। अगली बात करते हैं सेम साइन के नंबर आप हो तो काम एडिशन का होता है लेकिन साइन वही होगा तो उनके आगे जनरली लेके आप जनरली क्या करते हैं, सपोज अगर आपने ऐसे दिया 121 प्लस 1 तो देखिए ये प्लस का ये प्लस का है तो होता आपका एडिशन है 122। अब साइन कौन सा लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते ना, इसका मतलब प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो रिजल्ट भी आपका प्लस का, सेम और काम यहाँ है ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो रिजल्ट भी आपका माइनस का। और ऑपरेशन कौन सा होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन होगा 121 प्लस 1 122, क्लियर है। तो बाकी क्वेश्चंस भी आपको इसी के अकॉर्डिंग करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर अगला क्वेश्चन इज नंबर 7 सिंपलीफाइड। आप इस तरह से प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का वो प्लस में दे रहे हैं एंड इसमें करने के लिए अगर आप सिंपलीफाई करके बोलेंगे रिजल्ट का कंडीशन जो है वो क्या है, क्लियर है। तो सॉल्यूशन में आते हैं, देखिए 12 प्लस का साइन है प्लस इनटू माइनस माइनस 3 फिर प्लस 13 प्लस इनटू माइनस माइनस 9 प्लस इनटू माइनस माइनस 16, ओके क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेम साइन वाले नंबर्स को एक साथ विदाउट जो हाँ सेम साइन वाले नंबर्स को एक साथ करना है। देखिए प्लस का सिंगल नंबर है प्लस के नंबर को मैं सिंगल लिख लेता हूँ, और बचा क्या मेरे पास, अब मेरे पास बचा है माइनस 3 माइनस 9 माइनस 16। तो देखिए सेम साइन नंबर है, ये भी सेम साइन नंबर का होने का मतलब है आपको सिंपली उनको ऐड करना है। तो माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 16 को ऐड करता है, सिंपली नंबर ऐड कर लें 3 प्लस 9 12 12 प्लस 16 कितना आएगा 28। और साइन कौन सा आएगा जो इनके आगे साइन है, यानी ये भी माइनस है ये भी माइनस है ये भी माइनस है ये भी माइनस है, क्लियर है। सो माइनस 13 माइनस 28 फिर से देख लीजिएगा 3 प्लस 9 12 12 प्लस 16 28, और तीनों के सामने नेगेटिव साइन है इसलिए इसके सामने भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए अनलाइक साइन आ गए, ये प्लस का और ये माइनस का, तो अनलाइक साइन आने का मतलब मैंने आपको बता रखा है जैसे अनलाइक साइन आएंगे अलग अलग डिफरेंट साइन आएंगे, इसका मतलब जो है वो आपका सब्ट्रैक्शन होता है। देखिए 13 और 28 ये प्लस का और ये माइनस का, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो किसमें से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है जो भी नंबर ग्रेटर है उसमें से छोटा वाला नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी पड़ी है, ये 13 है और यहाँ पे 28 है, 28 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 15। साइन कौन सा आएगा, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है जो नंबर बड़ा है उसकी का साइन आप यूज करेंगे, ओके। तो माइनस का 28 बड़ा है तो 28 के सामने वाला साइन आपका फाइनली आएगा, सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये देखते हैं यहाँ पे देखिए 23 प्लस इनटू माइनस
माइनस का 17 प्लस इनटू माइनस माइनस 11 और प्लस 16 क्लियर है। अब भाई का लाइक साइन वाले सेम साइन वालों को एक साथ करते हैं। देखिए ये प्लस का 23 और ये प्लस का 16 है, ये तो ये और ये 23 प्लस 16 कितना आएगा 39 ओके। और अब क्या बचा आपके पास 17 और 11 17 और 11 की जगह माइनस माइनस ये दोनों सेम साइन है। 17 प्लस 11 कितने आएंगे 28 क्लियर क्लियर। अब साइन दोनों नेगेटिव में हैं तो इनका रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव आएगा क्लियर है। माइनस 17 प्लस माइनस 11 माइनस का 28 ओके। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का अनलाइक साइन हो गए डिफरेंट साइन हो गए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा ठीक है। अनलाइक साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा 39 में से कौन से किसमें सब्ट्रैक्ट होगा बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो 39 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होता है 11 ओके। और साइन कौन सा आएगा बहुत इसी बात है जो नंबर ग्रेटर है उसी का साइन रखना आंसर माना है तो 39 ग्रेटर है 39 के सामने कोई सा साइन नहीं इसका मतलब पॉजिटिव है यहाँ पे अपने कोई साइन नहीं लगेगा मतलब पॉजिटिव का 11 प्लस का ही बैठना आया है ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी तरीके से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं। सो बाकी जो भी क्वेश्चन से बच्चे हैं वो आप इसी तरीके से करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपसे होता है तो जरूर आप करने की कोशिश करें। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 100% आपको करवा दूंगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू हैव ए नाइस डे।